राम राम भाई। देखो, आज का जो अपना टॉपिक है वो है ट्रेंसिटिव और इंट्रेंसिटिव वर्ब के बारे में। ट्रेंसिटिव वर्सेस इंट्रेंसिटिव वर्ब्स। ट्रेंसिटिव और इंट्रेंसिटिव वर्ब के बारे में, इनमें देखो क्या होता है। ट्रेंसिटिव वर्ब है वो क्या होती है और इंट्रेंसिटिव क्या होती है। ट्रेंसिटिव वर्ब की खासियत होती है कि यह वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट लेने वाली होती है। बिना ऑब्जेक्ट के इस अर्थ के इस वर्ब का है वो पूरा अर्थ समझ में नहीं आता, जबकि इसका पूरा बिना ऑब्जेक्ट के समझ में आ जाता है। कैसे, नोट कर लीजिए कि यहाँ पे एक बात लिखिए, ट्रेंसिटिव वर्ब ऑलवेज रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। यानी ट्रेंसिटिव वर्ब को हमेशा ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, जबकि ठीक इसके उल्टा हम देखते हैं तो इंट्रेंसिटिव वर्ब जो है उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। यानी इंट्रेंसिटिव वर्ब जो है डज नॉट रिक्वायर एन, ये यहाँ से ऑलवेज ये रिक्वायर्स होगा, ये रिक्वायर डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। पता कैसे चलता है? देखो, ऑब्जेक्ट ट्रेंसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का पता कैसे चलता है? इसका बहुत ही बेहतरीन तरीका, एक ही चीज़ याद रखनी है आपको, वॉट से क्वेश्चन कीजिए आप, यानी वॉट, इससे आपको क्वेश्चन करना है। इससे आपका क्वेश्चन हो रहा है, इसका मतलब ट्रेंसिटिव वर्ब है। इधर ठीक इसके लिखिए, वॉट से जो क्वेश्चन है वो आपका नहीं हो रहा है। ये जो टिक है इसका मतलब क्वेश्चन होगा और इसका मतलब क्वेश्चन नहीं होगा, बस इतना ही है। यानी क्वेश्चन होगा और यहाँ पे क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन जो है वो नहीं होगा। अब देखिए कैसे पता चलता है। एक वर्ब लीजिए, जैसे एग्जाम्पल से बात करते हैं, मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल मैंने लिखा, मान लो जैसे आई ईट, आई ईट मैं खाता हूँ, तो आप वर्ड से क्वेश्चन कीजिए ईट वर्ब पे, मैं खाता हूँ तो क्या खाता हूँ, क्वेश्चन हो रहा है। इसका मतलब इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो वर्ब है ये आपकी ट्रेंसिटिव वर्ब है, आई ईट। अब आगे मान लो जैसे फूड हो या और कोई भी खाने की चीज़ हो, जो भी हो, लेकिन ज़रूरत तो पड़ी ना, इसलिए ये ट्रेंसिटिव वर्ब है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए यहीं पे, जैसे सीमा राइट्स, सीमा है वह लिखती है, लिखती है तो क्या लिखती है, क्वेश्चन हो रहा है। इसका मतलब ये आपकी ट्रेंसिटिव वर्ब हो गई। अब आगे जो भी लिखती है वो डाल दो, जैसे मान लो ये क्या लिख रही है, एक पोइम लिख रही है, कुछ भी हो। ठीक इधर हम देखेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन वर्ब पे नहीं होंगे। कैसे, इधर एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये यहाँ पे डिफरेंट कर दीजिएगा। देखो एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल से समझिएगा, इसमें वर्ड से क्वेश्चन नहीं होगा। जैसे आई लाव, मैं हंसता हूँ तो क्या हंसता हूँ, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। इसका मतलब ये आपकी जो वर्ब है ये होगी आपकी इंट्रेंसिटिव वर्ब, जबकि ये दोनों थी वो आपकी ट्रेंसिटिव वर्ब। ये टीवी का मतलब ट्रेंसिटिव वर्ब है, टेलीविज़न नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये है आपकी इंट्रेंसिटिव। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखिए
ये यहीं पे देख लीजिए। दूसरा है जैसे मान लो सी स्लीप्स, वह ठीक नहीं रहा, इसको थोड़ा आगे लिख देते हैं, इंटेंसिटी वर्ब और यहाँ पे स्लीप्स, सी स्लीप्स, वह सोती है, तो क्या सोती है, ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा। तो ये हो गई आपकी इंटेंसिटी वर्ब और ये दोनों आपकी ट्रेंसिटिव वर्ब। अब आगे इनके आपको तीन चार एग्जांपल और दिखा देता हूँ ताकि अच्छे से कन्फ्यूज़ दूर हो जाए। देखिए ये इतना है, ये नोट कीजिएगा। बस बेहतरीन तरीका है केवल आपको वोट से क्वेश्चन कर लेना है, यदि आपका वोट से क्वेश्चन हो रहा है ट्रेंसिटिव वर्ब होगी। ठीक है, अब आगे देखिए। जो भी वर्ब है उसमें वोट लगाओ, वोट से क्वेश्चन हो गया ट्रेंसिटिव है, वोट से क्वेश्चन नहीं हुआ इंट्रेंसिटिव है। देखिए जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूँ, तो क्या खेलता हूँ, इसका मतलब ए गेम जो भी है मेरे को डालना पड़ेगा, तो इस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी, इसका मतलब प्ले जो है आपकी कौन सी वर्ब हुई, ट्रेंसिटिव वर्ब। इधर देखिए, ठीक इंट्रेंसिटिव वर्ब की बात करते हैं, तो जैसे आई, जैसे मान लो जैसे आई स्लीप्स का आपने देख लिया, और कोई इस प्रकार की वर्ब जिसमें आप वर्ड से क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, जैसे ये मान लो एक एग्जांपल है, जैसे बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं तो आप क्या उड़ते हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं कर सकते, है ना। केवल वोट से क्वेश्चन करना है, अन्य क्वेश्चन तो हो सकते हैं लेकिन वोट से नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये होगी आपकी इंटेंसिटिव वर्ब। दूसरा एग्जांपल, अब देखिए फ्लाई वर्ब जो है ये ट्रेंसिटिव भी होती है, लेकिन इसका पता चलता है सेंटेंस में। इस फ्लाई वर्ब पे आप एक बार स्टार लगाइएगा, इसको बाद में बताऊंगा मैं कि किस प्रकार से ये ट्रेंसिटिव भी हो सकती है। इधर दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे आई रन, मैं दौड़ता हूँ, तो क्या दौड़ता हूँ, एक दौड़ दौड़ता हूँ, एक दौड़ दौड़ता हूँ, मैं एक दौड़ दौड़ता हूँ, तो ये हो गया आपकी ट्रेंसिटिव वर्ब। ठीक दूसरा इंट्रेंसिटिव इसके सापेक्ष देख लिए, जैसे सरला वीप्स, सरला जो है वह रोती है, तो क्या रोती है, ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, तो ये हो गई आपकी इंटेंसिटिव वर्ब। और उदाहरण देखिए, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, बस केवल वर्ब पे आपको वर्ड से क्वेश्चन करना है, वर्ड से क्वेश्चन हो रहा है तो ट्रेंसिटिव है, नहीं हो रहा है इंटेंसिटिव वर्ब है। इसको हिंदी में सकर्मक बोलते हैं, इसको अकर्मक क्रिया बोलते हैं। और ये हमारे काम में कहाँ आती है, हम जहाँ पे वॉइस पढ़ते हैं एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते वक्त काम में आती है, कि पैसिव वॉइस जो है वो ट्रेंसिटिव वर्ब का ही बनता है, इंट्रेंसिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता है, इसलिए ये पैसिव, ये ट्रेंसिटिव और इंट्रेंसिटिव है ये पढ़ना ज़रूरी है। हम आगे पैसिव के बारे में चर्चा करेंगे, जब पैसिव का टॉपिक आएगा तब इसकी पुनः वहाँ पे चर्चा होगी। ठीक है, अब देखिए जैसे उदाहरण देखिए, सुमन क्या कर रही है, मान लो जैसे पका रही है, सुमन कुक्स, तो इसको आगे फूड की ज़रूरत ही पड़ेगी, भाई ये फूड फूड पका रही है, तो ये आपकी हो गई ट्रेंसिटिव वर्ब। इधर देखिए इसके सापेक्ष उदाहरण, जैसे मान लो ये एग्जाम्पल लिख दिया, डॉग बार्क्स, कुत्ता है वह भौंकता है, तो क्या भौंकता है, ऐसा क्वेश्चन हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, इसका मतलब ये आपकी इंट्रेंसिटिव वर्ब। ठीक है, तो इस प्रकार से हैं, जो भी वर्ब आपके सामने आए उससे पहले खुद को मान लो सपोज कर लो कि ये काम मैं ही कर रहा हूँ, तो ऐसा बोल दो आई, फिर उस वर्ब को रखो और फिर उस पे वर्ड से क्वेश्चन करो, यदि क्वेश्चन हो रहा है तो वह ट्रेंसिटिव वर्ब होगी, अन्य अगर यदि क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो वर्ब ट्रेंसिटिव नहीं होगी। और
इंट्रेंसिटिव वर्ब में जो है वो वर्ड से क्वेश्चन आपका नहीं होगा, अन्य से आप वेन है, वेयर है, वाई है, इन सब से तो कर सकते हो, लेकिन मुख्य जो है वो है केवल आपका वॉट। अब देखो, आपने जो ये फ्लाई वे स्टार लगाया था, इसकी बात बता देता हूँ, ये कैसे, यही नहीं है, बहुत सी वर्ब ऐसी होती है, वर्ब्स आपकी जो ट्रेंसटिव इंट्रेंसटिव में होती है, लेकिन वो यूज से पता चलता है कि यहाँ पे ट्रेंसटिव है और यहाँ पे इंट्रेंसटिव। फ्लाई हमारे सामने आई, इसकी बात कर लेते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। इसको एक बार रहने दीजिएगा, ये फ्लाई जो वर्ब है ये इंट्रेंसिटिव है, ये ट्रेंसिटिव कैसे होती है देखो, चलो इसको फिर से लिख देंगे हम, पहले इसको ट्रेंसिटिव में देखेंगे फिर इंट्रेंसिटिव में बात करते हैं। जैसे मान लो आपने लिखा, बॉयज फ्लाई, बच्चे उड़ाते हैं, इसका मतलब बच्चे उड़ाते हैं तो क्या उड़ाते हैं, तो आपको यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है वो डालना पड़ेगा, भाई बच्चे जो हैं वो पतंग उड़ाते हैं, तो ये फ्लाई वर्ब इस सेंटेंस के सापेक्ष है, ट्रेंसिटिव वर्ब है। ठीक, आपने इधर जो पहले लिखा था बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, तो क्या उड़ते हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं हो रहा, इसका मतलब ये हुआ कि सेम वर्ब है वो भी मल्टीपल फंक्शन कर सकती है, पता चलता है उसके सब्जेक्ट के आधार पे, उसके फंक्शन के आधार पे कि ये किस प्रकार का फंक्शन कर रही है या इसका सब्जेक्ट कौन है। यहाँ पे देखो, बच्चे इसका सब्जेक्ट है, ये लड़के हैं सब्जेक्ट है, इसलिए ये देखो इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी, यहाँ पे पक्षी है इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस प्रकार से कुछ वर्ब्स होती है वो मल्टीपल यूज करती है, और उनका पता उसके सब्जेक्ट के और फंक्शन के आधार पे पता चल जाता है कि ट्रेंसिटिव है या इंट्रेंसिटिव। ठीक है, मुख्य जो बात है वो आपको एक ही बात याद रखनी है बस, ये वॉट, वॉट मीन्स क्या, अरे पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ भाई वॉट मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो इससे आपको क्वेश्चन कर लेना, इसका होने का मतलब ही ट्रेंसिटिव वर्ब है और वॉट का नहीं होना ही, ये जो वॉट है इसका नहीं होना ही इंट्रेंसिटिव वर्ब है, बस इतना सा ज्ञान है। ठीक है, आगे की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे।